नमस्कार, मौसम की ताज़ा खबर में आप सभी का स्वागत है। बंगाल की खाड़ी से उठा खतरनाक चक्रवाती तूफान कई राज्यों से टकरा चुका है और भयंकर बारिश का दौर जारी हो चुका है। वहीं 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हुई ये चक्रवाती तूफान उड़ीसा राज्य में भीषण तबाही मचा रहा है। पूरे उड़ीसा राज्य में गहरे काले बादल छा चुके हैं और मूसलाधार बारिश का दौर जारी हो चुका है। अगले 24 घंटे में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और सिक्किम राज्य, इसके अलावा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तेज तूफान के साथ मूसलाधार बारिश का दौर जारी हो जाएगा। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी ये स्थिति आज देर रात तक बनेगी। आपको बता दें, आगे की ओर बढ़ता हुए खतरनाक चक्रवाती तूफान अन्य राज्यों में भी प्रवेश करने की उम्मीद है। इसके बाद ये छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और पूर्वी राजस्थान तक इसका कहर बरसेगा। इसके बाद ये तूफान इन राज्यों में गहरे काले बादलों के साथ छा जाएगा। कुछ क्षेत्र पर मध्यम दर्जे की बारिश तो कहीं पर भारी बारिश और कहीं पर मूसलाधार बारिश, मानो जैसे कि बादल फट गए हैं, बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। सबसे ज़्यादा भारी बारिश का कहर अगले 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में बताया जा रहा है। इसकी दिशा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य की ओर बनी हुई है। इन राज्यों में भयंकर बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जारी की है। आपको हम मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट से अवगत कराते रहेंगे, साथ में लाइव अपडेट से भी आपको अवगत कराते रहेंगे, ताकि किस राज्य में कितनी भीषण तबाही इस बंगाल की खाड़ी से उठे खतरनाक चक्रवाती तूफान ने मचाना शुरू कर दिया है। इस वक्त अगले 24 घंटे में ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, सिक्किम और पूर्वी उत्तर प्रदेश में देर रात तक ये स्थिति बनेगी। यहाँ पर गहरे काले बादल छा जाएंगे, भयंकर बारिश का दौर जारी हो जाएगा, बादल फटने की जैसी उम्मीद बनेगी। इस वक्त ये बड़ी खबरें मौसम विभाग से आ रही हैं। ये देखिए आज का ताज़ा अपडेट इंडिया मेट्रोल डिपार्टमेंट का 4 अक्टूबर का, साथ में जानेंगे 5 और 6 अक्टूबर तक ये खतरनाक चक्रवाती तूफान की क्या स्थिति बनेगी। आपको बता दें, जिस राज्य में, यदि आपके राज्य में ये अलर्ट है तो सावधान हो जाइए, और ये साइन है तो भी सावधान हो जाइए, क्योंकि मूसलाधार बारिश गहरे हो जाएगा। लेकिन उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में लगातार 3 दिनों तक भयंकर बारिश का दौर जारी रहेगा। यहां पर ये स्थिति बनी हुई है। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम 7 और 8 अक्टूबर के ताज़ा अपडेट से अवगत कराएंगे। पहली बार आप इस चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि S24 न्यूज़ मौसम की राइट इन्फॉर्मेशन